नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज पर। मैं आपके साथ विजय यादव। औरैया पुलिस अधीक्षक महोदय सुनीति एवं जनपद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरफराज आलम भंसारी व डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा जनपद में गठित कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम को कोरोना से संबंधित किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पर जनपद की स्वास्थ्य टीम के साथ समन्वय कर पीपीई किट का इस्तेमाल करते हुए संदिग्ध व्यक्ति की जांच कराने व उसको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय ले जाते समय सावधानियां बरतने के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक औरैया व मौजूद चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बिना किसी वस्तु या स्थान को स्पर्श किए संदिग्ध को जांच हेतु समझाते हुए उचित दूरी बनाए रखें। यदि कोई व्यक्ति जांच के लिए जाने में असहाय है तो उसे सावधानीपूर्वक टीम द्वारा संदिग्ध की बाजू व पीठ का सहारा लेकर एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय तक ले जाएं। पीपीई किट को उपयोग करने के बाद चिकित्सालय में बने डस्टबिन में नष्ट कर दें। इस दौरान टीम के सभी सदस्य अपने हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें तथा अपने को सैनिटाइज भी करते रहें। अपने हाथों को नाक मुंह आंखों को छूने से बचें। पुलिस अधीक्षक औरैया व मौजूद चिकित्सकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से पुलिस व चिकित्सा विभाग के मध्य समन्वय मजबूत हुआ। पुलिस द्वारा की जाने वाली नियमानुसार कार्रवाई के दौरान उनके कर्तव्य व सावधानी के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक औरैया व चिकित्सकों द्वारा उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों को कोरोना संदिग्ध की सूचना के दौरान की जाने वाली कार्रवाई जिम्मेदारी सावधानी बरतने की जानकारी मॉक ड्रिल के माध्यम से दी गई। कोरोना वायरस जैसे घातक संक्रमण को रोकने व इस बड़ी आपदा के समय औरैया पुलिस चिकित्सकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक औरैया श्री कमलेश दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सदर श्री सुरेंद्र नाथ व प्रतिसार निरीक्षक औरैया श्री विजय कुमार पांडे सहित डायल 112 पीआरवी में तैनात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। औरैया से संवाददाता एसके यादव की खास रिपोर्ट। जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम किसको सस्पेक्टेड मान सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स आपके दो तरह के होते हैं। एक तो क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, एक अदर कॉन्टैक्ट हो गया। क्लोज कॉन्टैक्ट में क्या कौन कौन से लोग आएंगे? उनके फैमिली के मेंबर जो उनके साथ रहा है, जो उनके साथ खाना खाया है या घर में एक किचन उनमें शेयर किया है, उनके साथ बैठा है। बाकी अदर कॉन्टैक्ट में आपके जैसे 2 मिनट के लिए किसी से मुलाकात हुई, फिर चले गए अपने कहीं सामान खरीदने गया किसी दुकान से, उससे 2 मिनट के लिए कॉन्टैक्ट कर गया तो अदर कॉन्टैक्ट। बट रिस्क दोनों में है। क्लोज कॉन्टैक्ट में आपका ज्यादा रिस्क है और अदर कॉन्टैक्ट में आपका कम रिस्क है। तो हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा आ रहा है कि अभी तक जो केसेस आए हैं, 6 केस जो इस वायरस से संबंधित जो कुछ जानकारी हम आप लोगों को देंगे, पहले तो आप लोगों को ये बताएं कि ये जो कोरोना वायरस बीमारी है ये एक वायरल डिजीज है। ये सबको पता है कि ये पहले चाइना से कहाँ से आई, फिर बाद में अन्य कंट्रियों में गया, इसका ट्रांसमिशन हुआ, उसके बाद इंडिया भी इससे मतलब अछूता नहीं रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, कैसे ये ट्रांसमिट होता है? कोरोना वायरस जो है ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसका नहीं है, इसका जो ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये ड्रॉपलेट का मतलब आप समझते हैं कि जब अगर कोई इससे अगर ग्रसित कोई रोगी है, अगर वो खांसता है तो उससे जो उसके खांसने से या छींकने से जो वायरस उसके शरीर से निकलेंगे वो अगर दूसरे व्यक्ति जो सामने है खड़ा उसी समय अगर वो सांस ले रहा है तो उसके सांस में चला गया तो इन्फेक्शन ये ट्रांसमिट हो गया। तो इसके अब हम जैसे तमाम इससे प्रचलित है कि ये हवा में तैर करके ऐसे उड़ रहा है, ऐसा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसका जो फैलाव है ये छींकने या खांसने से ही जाएगा। ये तो हम लोग जो ये मास्क लगा रहे हैं, पहले तो ये है कि जो मास्क की जो जरूरत है ये हम